यदि आप हिंदी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो फिल्मों का गीत संगीत उसकी स्टोरी कई दिनों तक आपके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। एक अच्छी फिल्म का गीत संगीत लोग कई कई अरसे तक भूल नहीं पाते हैं, उसे यादगार बनाकर अपने दिलों में बसा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार फिल्मों के डायलॉग भी लोगों को फिल्में बार बार देखने के लिए और डायलॉगों को दिमाग में यादगार बनाकर बसा लेने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर उन फिल्मों को जिनकी डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी में दम होता है। यदि आप भी ऐसी ही किसी फिल्म के डायलॉग से प्रभावित हुए हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, क्योंकि आज हम प्राण साहब के डायलॉग अपनी आवाज में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ये लाजवाब डायलॉग हैं। प्राण साहब के डायलॉग हम आपको अपनी आवाज में सुनाएंगे भी, परंतु उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 1991 में आई सलमान खान की सनम बेवफा फिल्म तो आपने देखी ही होगी। फिल्म के हीरो सलमान खान और हीरोइन थी इसमें चांदनी, लेकिन इसके साथ साथ इस फिल्म में दो जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के अभिनेता, महान कलाकार डैनी डेंजोगप्पा और प्राण साहब दोनों ने इस फिल्म को अपनी डायलॉग डिलीवरी से लोकप्रिय बना दिया, इस फिल्म को यादगार बना दिया। शेर खान और फतेह खान की दहाड़ों ने फिल्म को सिनेमा हॉल में तालियों से गूंजा दिया था। शेर खान, बेटी के रिश्ते कांच के खिलौने नहीं होते, जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर से बाहर फेंक दिया। मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तूने इतनी सख्त सजा दी? हक में हर तो हमने अपनी बेटी रुखसार की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साईं, ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, क्या कोई बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकता है? बाप होने के नाते हमें अपनी बेटी के लिए हक में हर मांगने का हक था। यदि आपको यह डायलॉग सुनकर प्राण साहब की मौजूदगी का एहसास हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्राण साहब के ऐसे ही डायलॉग सुनने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्राण साहब के डायलॉग के साथ डेनी साहब के डायलॉग का आनंद लेना चाहते हैं तो फिल्म सनम बेवफा एक बार नहीं बार बार देखें, क्योंकि शेर खान और फतेह खान की असली डायलॉग डिलीवरी का आनंद आप इस फिल्म को देखकर ही ले सकते हैं। आप फिल्म देखकर डायलॉग का आनंद लें, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय।